नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एक गंभीर व्यक्ति कभी मासूम नहीं हो सकता, और जो मासूम है वो कभी गंभीर नहीं हो सकता। मनुष्य केवल संभावित रूप में जन्म लेता है। वह अपने और दूसरों के लिए एक कांटा बन सकता है, वह खुद और दूसरों के लिए एक फूल भी बन सकता है। जैसे जैसे आप अधिक जागरूक होते जाते हैं, इच्छाएं गायब होती जाती हैं। जब जागरूकता 100% हो जाती है, तब कोई इच्छा नहीं रह जाती। नरक हमारी रचना है और हम असंभव करने का प्रयास कर नरक बनाते हैं। स्वर्ग हमारी प्रकृति है, यह हमारी सहजता है। ये वो जगह है जहां हम हमेशा होते हैं। सच्चा प्रेम अकेलेपन से बचना नहीं है, सच्चा प्रेम बहता हुआ अकेलापन है। अकेले रहने में कोई इतना खुश रहता है कि वो इसे बांटना चाहता है। जब आप अलग हैं, तो पूरी दुनिया अलग है। ये दूसरी दुनिया बनाने का सवाल नहीं है, ये केवल एक अलग आप बनाने का सवाल है। वो जो आपको दुखी बनाता है केवल वही पाप है। वो जो आपको खुद से दूर ले जाता है केवल उसी से बचने की जरूरत है। बीते हुए कल के कारण बेकार में बोझिल ना हो। जो पाठ आपने पढ़ लिए हैं उन्हें बंद करते जाएं, बार बार उन पर जाने की जरूरत नहीं है। खुद को वैसे स्वीकार करें जैसे आप हैं। और ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, क्योंकि ये आपकी ट्रेनिंग, एजुकेशन और कल्चर के खिलाफ है। शेयर करना सबसे मूल्यवान धार्मिक अनुभव है। शेयर करना अच्छा है। आप बाहरी रूप को बदलते हुए कई जिंदगियां लगा देंगे, फिर भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जब तक कि भीतर बदलाव नहीं होगा, बाहर कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। ये इम्परफेक्ट है और इसीलिए ये ग्रो कर रहा है। अगर ये परफेक्ट होता तो ये मर चुका होता। ग्रोथ तभी संभव है जब इम्परफेक्शन हो। जीवन नियमों के बिना अस्तित्व में है, खेल नियमों के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकते। केवल झूठे धर्मों के नियम होते हैं, क्योंकि झूठे धर्म एक खेल है। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, यह ये जानना है कि ना कुछ पाना है और ना कहीं जाना है। जैन एकमात्र धर्म है जो एकाएक आत्मज्ञान सीखता है। इसका कहना है कि आत्मज्ञान में समय नहीं लगता, ये बस कुछ ही क्षणों में हो सकता है। अर्थ मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, और चूंकि आप लगातार अर्थ जानने में लगे रहते हैं, इसलिए आप अर्थहीन महसूस करने लगते हैं। जब मैं कहता हूँ कि आप देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं, आपकी क्षमताएं अनंत हैं। आप वो बन जाते हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। जैन लोग बुद्ध को इतना प्रेम करते हैं कि वो उनका मजाक भी उड़ा सकते हैं। ये अथाह प्रेम की वजह से है, उनमें डर नहीं है। प्रसन्नता सद्भाव की छाया है, वो सद्भाव का पीछा करती है। प्रसन्न रहने का कोई और तरीका नहीं है। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, ये एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। आकाश में एक अकेले ऊंचे शिखर की तरह रहो। तुम्हें किसी का हो, चीजें किसी की होती हैं। संबंध उनकी जरूरत है जो अकेले नहीं रह सकते। अगर आप बिना प्रेम के काम करते हैं, तो आप एक गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। जब आप प्रेम के साथ काम करते हैं, तब आप एक राजा की तरह काम करते हैं। आपका काम आपकी खुशी है, आपका काम आपका डांस है। सत्य कुछ बाहरी नहीं है जिसे खोजा जाना है, ये कुछ अंदरूनी है जिसका एहसास किया जाना है।
केवल वो लोग जो कुछ भी नहीं बनने के लिए तैयार हैं प्रेम कर सकते हैं। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। अगर आप सच देखना चाहते हैं, तो ना सहमति और ना असहमति में राय रखिए। कोई चुनाव मत करिए। जीवन को ऐसे अपनाइए जैसे वो अपनी समग्रता में है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो, तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमत्ता खुद पर। उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह खुशी आपको चलाए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जैसे हैं एकदम सही हैं। खुद को स्वीकारिए। आप जितने लोगों को चाहें उतने लोगों को प्रेम कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक दिन दिवालिया हो जाएंगे और कहेंगे अब मेरे पास प्रेम नहीं है। जहां तक प्रेम का सवाल है, आप दिवालिया नहीं हो सकते। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता, इसके उलट सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। मित्रता शुद्धतम प्रेम है। ये प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहाँ बस देने में आनंद आता है। कोई प्रबुद्ध कैसे बन सकता है? बन सकता है क्योंकि वो प्रबुद्ध होता है। उसे बस इस तथ्य को पहचानना होता है। यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं, तो आप एक ध्यानी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है। और अब आपके अंदर कोई विचार नहीं चलता, इसलिए कोई व्याकुलता नहीं होती। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है, आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब ना कोई आश्चर्य होगा, ना कोई आनंद और ना कोई अचरज। अब आप एक मृत जीवन जिएंगे।